بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم. ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह के फ़ज़ल से सूरह माईदा शुरू हो चुकी है, और सूरह माईदा को सूरह उकूद भी कहते हैं कि इसके अंदर हम पहली आयत के अंदर पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउकूद, के इसमें अहद के बातों के मामलात का तज़किरा किया गया है। इसी तरह इस सूरत को सूरह मुंजिया भी कहते हैं कि यह सूरत निजात दिलवाने वाली है, आखिरत के अज़ाब से निजात दिलवाती है। तो सबसे पहले बात यह है कि इस सूरत को सूरह, जिस तरह माईदा कहते हैं, इस सूरत को सूरह उकूद भी कहते हैं कि इसमें अक़द के अहदो पैमान का तस्करा किया गया, और इसी तरह इस सूरत को सूरह मुंजिया भी कहते हैं कि निजात दिलवाने वाली, यानी क्या मतलब कि आखिरत के अदाब से निजात दिलवाती है जो बंदा इस सूरत को मुकम्मल पढ़े, इस सूरत की आयात पर गौर करे। और यह जो सूरह है सूरह माईदा, ये मदनी है। मैंने आप हजरात को शायद पहले भी बताया था कि मक्की मदनी की पहचान हमें होनी चाहिए। हम कहते हैं यह सूरत मक्की है, यह सूरत मदनी है। बहुत सारे भाई आसान तारीफ़ इसकी ये करते हैं कि जो सूरत मक्के में नाजिल हुई हो वो मक्की है, जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हो जाए वो मदनी। हालांकि ये बात गलत है, इसलिए कि बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो मक्के में भी नाजिल नहीं हुई, मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल नहीं हुई, उनको क्या कहें, चलो वो तो मक्की हो गई, वो मदनी हो गई। इसलिए सही बात यह है कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई सूरतें वो मक्की हैं, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी। तो ये सूरत भी जो है सूरह माईदा मदनी है, और मदनी में भी से मदनी सूरतों में से भी सबसे आखिरी सूरतों में से। इसलिए बहुत सारे हजरात का कहना तो ये है कि ये जो सूरत है, जैसे जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं आखिरु सूरतिन उन्जिलत सूरतुल माईदति वल फतह। वो फरमाते हैं कि सबसे आखिरी आया सूरतें जो नाजिल की गई वो दो सूरतें, कि सूरह माईदा सारी सूरतों में सबसे आखिर पे आई और सूरह फतह सबसे आखिर पे आई। असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा किया 10 हिजरी के अंदर, यानी अल्लाह के नबी को मदीनतुल मुनव्वरा गए हुए 10वां साल। हज के बाद अल्लाह के नबी 80 दिन तकरीबन इस दुनिया में हयात रहे हैं, उसके बाद आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सूरह माईदा में एक आयत ऐसी आती है अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये सूरत, ये आयत उतरेगी हज्जतुल वदा पर, तो इससे ये पता चलता है कि ये सूरत अगरचे चाहे इसमें इख्तलाफ है बाद उलमा का, वो कहते हैं कि जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नहीं, सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई है कुरान में वो इदा जा नसरुल्लाह वल फतह है, क्योंकि इसमें अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने की खबर दी गई कि जब अल्लाह की मदद आ जाएगी, दीन को फतह हो जाएगी, ए नबी जी आप देख लेंगे कि लोग अल्लाह के दीन में गरोह दर गरोह दाखिल हो रहे हैं, फिर आप अल्लाह की तस्बीह बयान करना, इस्तगफार करना। यानी क्या मतलब कि जब नबी तो आतेगी दीन की तकमील के लिए, दीन फैलाने के लिए, जब दीन फैल जाता है तो अल्लाह नबियों को वापस बुला लेते हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास तो ये फरमाते हैं कि सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई वह इदा जा नसरुल्लाह है। बहरहाल इख्तलाफ़ हो भी, लेकिन हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सूरह माईदा आखिरी आखिरी सूरतों में से, जो बिल्कुल आखिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी उनमें से। इसलिए हज़रत जुबैर बिन नुफैर सहाबी फरमाते हैं कि जब मैं हज करके आया और मैं अम्मा जान आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ए जुबैर, तूने सूरह माईदा पढ़ी? आपने फरमाया जी हाँ, मैं सूरह माईदा पढ़ता रहता हूँ। तो अम्मा जान ने फरमाया ये सबसे आखिरी सूरत है,
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, फ़मा वजद तुम फ़ीहा मिन हलाल फ़स्तहिल्लूहु, लिहाजा जो जो चीज़ें तुम इसमें हलाल पाओ उसको हलाल समझो और जो जो चीज़ें तुम इसमें हराम पाओ उसको हराम समझो। यानी बीच में तो शुरू में कोई अहकामात आए, बदलते रहे, नस्ख होता रहा, लेकिन ये तो आखिरी आखिरी अहकामात हैं अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर नाजिल फरमाए। तो ये है सूरह माईदा। इस सूरत को सूरह माईदा क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया या इसको माईदा कहने की वजह क्या है? इसको सूरह माईदा दो वजहों से कहते हैं। पहली वजह तो यही है कि इस सूरत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान की दुआ का तस्कर है। माईदा कहते हैं उस दस्तरखान को जिस पे खाना चुन दिया गया हो, उसको माईदा कहते हैं। याद रखने की बात है, हमें बहुत सारी चीज़ें ये याद रखनी चाहिए। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ गाय का तस्करा आता है, इसलिए उसको सूरह बकरा कहते हैं। आले इमरान में हजरत जो है आले इमरान घराने का तस्करा आता है, तो इसलिए वहाँ हम जो है उसको सूरह आले इमरान कहते हैं। सूरह निसा में औरतों के मसाइल बयान किए गए, निसा ख़वातीन को कहते हैं। अब यहाँ सूरह माईदा, माईदा दस्तरखान को बोलते हैं। अच्छा, दस्तरखान भी वो कि जिस पे फल चुने हुए हों, खाना लगा हुआ हो, उस दस्तरखान को माईदा कहते हैं। जिस पे फल ना लगे हुए हों, सिर्फ दस्तरखान खाली हो, उसको अरब खान कहते हैं, खान। तो यहाँ माईदा के आगे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया कि ईसा तो अल्लाह से कह के अल्लाह हम पे दस्तरखान उतार दे, क्या अल्लाह हम पे खाने का बना बनाया दस्तरखान उतार सकते हैं? तो आपने फिर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माईदतम मिनस समा, ए अल्लाह हम पर आसमान से माईदा उतार दे, यानी दस्तरखान उतार। तो वो तस्करा हम आखिर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इस वजह से भी इसको माईदा कहते हैं। दूसरे माईदा कहने की वजह यह है कि जैसे मैंने बताया कि उस दस्तरखान को कहते हैं जिस पे खाना लगा हुआ, चूँकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने खाने पीने के अहकामात बतलाए हैं, इसलिए हम कहते हैं इस सूरत को सूरह माईदा कहते हैं। और मेरे दोस्तों, ये बात याद रखने की है कि इस सूरत का शान नज़ूल मैं आप हजरात को बतलाऊँ, क्योंकि आप हजरात ने यह सुना होगा कि वही में बहुत पावर, बल्कि मैंने इस पर बाकायदा एक बयान भी है मेरा मुस्तकिल, क़ुरान और साहिब क़ुरान, कि ये जो वही है ना, वही वही के अंदर इतनी पावर और ताकत है कि वही बराए रास्त कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी पावर है वही के अंदर। बल्कि अल्लाह ताला एक जगह पर क्या कहते हैं क़ुरान में, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअईतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह, कि अगर अल्लाह इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते, पहाड़ कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत है, तो अल्लाह फरमाते हैं, बड़ा अच्छा नुक्ता है समझना, कि अगर अल्लाह इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो इस कुरान की वही में इतनी पावर है कि पहाड़ इसको बर्दाश्त न कर सकता और पहाड़ अंदर से फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन ये वही अगर मेरे और आप पर डायरेक्ट आती तो हम कहाँ बर्दाश्त करते। इसलिए हज़ारों लाखों एहसानात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर कि अल्लाह के नबी ने कुरान के उतरने की वही की तजल्लियात को अपने दिल पर बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके इस उम्मत को दिया। कुरान जलाल और जमाल का मजमुआ है, वही जब आती है तो उसमें जलाल ही जलाल होता है और उम्मत जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकती, कि वो तो बनी इसराइल ने कहा था कि हमें अल्लाह दिखा दो, अल्लाह ताला ने फरमाया था मूसा ये अल्लाह को क्या देखेंगे, ये तो मेरी छोटी सी वही नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी वही की तजल्ली डाली और जितने बनी इसराइल अल्लाह को देखने के लिए गए थे सब मर गए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस वही को अपने पैगम्बर पर नाजिल किया तो अल्लाह की शान अल्लाह के महबूब के सीने से गुज़रती हुई हम तक आई, तो ये वही जमाल की शक्ल में तब्दील हो गई। यह बिल्कुल आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे बिजली गुज़रते हुए फ्रिज तक जाती है, पीछे से उसके अंदर एक हरारत होती है लेकिन कंप्रेसर उसको आगे जाकर बरूदत में तब्दील कर देता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही की मशक्क़त को उठाकर उम्मत की तरफ आसान मुंतकिल कर दी। आप छोटे से बच्चे के सीने में भी 30 पारे कुरान के होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माशाल्लाह
पूरा पूरा कुरान याद है, किसी को कितने पारे याद, वरना हमारे अंदर इतनी पावर कहाँ थी कि हम कुरान याद कर सकते। इसीलिए इस सूरत को भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल हो रही थी, हज़रत अस्मा बिनते यजीद फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर बैठे हुए थे। आपकी मशहूर ऊँटनी थी अज़बा, अल्लाह के नबी उस ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे कि वही उतरनी शुरू हो गई। और ये आप हज़रात ने सुना होगा, बुखारी की हदीस भी है कि आपने के जब अल्लाह के नबी पर वही उतरती, सख्त सर्दी का मौसम होता, तो उस वही के असरात की वजह से अल्लाह के नबी की पेशानी से पसीना निकलना शुरू हो जाता। और यहाँ आप फरमाया कि सफ़र में थे कि अल्लाह के महबूब ऊँटनी पर बैठे हुए थे, वही आनी शुरू हुई। यूँ लगा कि अगर अल्लाह के नबी इस ऊँटनी से उतरेंगे नहीं, अगर अल्लाह के नबी इस ऊँटनी से उतरेंगे नहीं तो ये ऊँटनी की या तो गर्दन टूट जाएगी या इसकी टांग टूट जाएगी। अब अंदाज़ा करो कि हम देखते हैं ऊँट कितना सामान उठा के चलते हैं, कितना बोझ और कितने मनामन सामान लेके चलते हैं, लेकिन ऊँट में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो वही को बर्दाश्त कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँटनी पर से उतर आए और फिर अल्लाह के नबी पे यह सूरह माईदा नाजिल हुई है, ये सूरह माईदा जो हम पढ़ रहे हैं। और इसी तरह एक रबत की बात ये भी समझ लें साथ साथ कि चूँकि मक्कतुल मुकर्रमा में सहाबाए किराम नए नए इस्लाम लाए थे, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जितनी सूरतें उतरी उसमें अल्लाह ताला ने अकीदे की इस्लाह की है, अखलाक की इस्लाह की, लेकिन मदीना मुनव्वरा जाकर चूँकि इस्लामी मुआशरा वजूद में आ चुका था और मदीनतुल मुनव्वरा में इज्तिमाई अहकामात की ज़रूरत थी, पूरी रियासत मदीना वजूद में आ चुकी थी, इसलिए जो मदनी सूरतें हैं आप देखेंगे उनके अंदर ज़्यादातर अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए। मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने ज़्यादातर अकीदे की बात की है, लेकिन मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने अहद व पैमान के मसले, कसम के मसले, मुनाफिकीन के मसाइल, गवाही के मसले, तहारत तयम्मुम वगैरह के मुख्तलिफ मसलों को अल्लाह ताला ने बयान किया। और अभी ये थोड़ा सा रबत समझ लें, सूरह बकरा आले इमरान हम तकरीबन तीन सूरतें पढ़ चुके हैं। पहली सूरत जो सूरह बकरा थी उसमें अल्लाह ताला का रुख ज़्यादातर है यहूदियों की तरफ, या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, इसराइल से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी यहूदियों। और आगे चल के सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला का ज़्यादातर रुख है ईसाइयों की तरफ। मैं ज़्यादा का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में उधर भी यहूदियों के साथ ईसाइयों का तस्करा आता रहता है, ईसाइयों के साथ यहूदियों का आता रहता है, लेकिन ज़्यादातर रुख जो है सूरह बकरा में यहूदियों की तरफ, सूरह आले इमरान में ईसाइयों की तरफ, सूरह निसा और सूरह माईदा के अंदर अल्लाह ताला का ज़्यादा रुख है अरब की तरफ, अरब के बशिंदों की तरफ, उनकी इस्लाह की तरफ, उन्हीं की तरफ। इसलिए साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये चार सूरतें आपस में जोड़ा जोड़े हैं, सूरह बकरा और आले इमरान का एक जोड़ा है और सूरह निसा और सूरह माईदा का एक जोड़ा है। जोड़ा कैसे है कि सूरह बकरा और आले इमरान में अल्लाह ताला ने अकायद बयान किए, तौहीद बयान की, रिसालत बयान की, सूरह निसा और सूरह माईदा के अंदर अल्लाह ताला ने बाहमी मुआमलात और आपस के अंदर हुकूकुल इबाद, इस तरह के इज्तिमाई मसलों को बयान किए। तो और आगे चल के ये रबत सूरह निसा और सूरह माईदा में फ़र्क ये है कि सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने स्पेशली निकाह के मसले ज़्यादा बयान किए, ये रिश्ते हराम हैं, ये रिश्ते हलाल हैं, मुहर्रमाते निकाह के मसले जो हैं अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ज़्यादा बयान किए। सूरह माईदा के अंदर अल्लाह ताला ने मुहर्रमाते अक्ल व शुर्ब, खाने पीने में क्या हराम है क्या हलाल है, इसके मसले बयान किए। तो ये वही बात होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया था, इंसान के जिस्म में दो अज़ा ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, एक तो इंसान का मुँह है और दूसरी इसकी शर्मगाह है।
کہ منہ کے ساتھ جو مسائل تعلق رکھتے ہیں وہ کھانے پینے کے مسئلے ہیں، وہ اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کیے. شرمگاہ کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے، نکاح کا تعلق اور انسان کی عزت کی حفاظت کا تعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیے. اسپیشلی یہ دو چیزیں، اس لیے میرے دوستوں ہمیں یہ باتیں اس لیے پتہ ہونی چاہیے. دیکھو نا، ایک آدمی دکاندار ہے، اس کے پاس آپ حضرات جاؤ، جا کے کہو جی مجھے صرف دے دو. اب دکاندار پوری دکان میں تلاش نہیں کرتا کہ میں نے صرف کہاں رکھا ہے، اس کا سیدھا ہاتھ صرف والے ڈبے پہ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف یہاں رکھا ہے. چینی والا آ جائے، وہ چینی والی جگہ پہ اس کا ہاتھ جاتا ہے. لیکن اگر میرے جیسے کو کوئی وہاں تھوڑی دیر کے لیے دکان پہ کھڑا کر دے، تو میں تو سودا دینے سے پہلے پوری دکان چاروں گا، پتہ نہیں کہاں کیا چیز پڑی ہوئی. اگر میرے دوستو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کن صورتوں میں کیا کیا چیز بیان کی ہے، تو ہمیں پھر گھنٹے نہیں لگیں گے تلاش کرنے کے لیے. ہمیں مثال کے طور پر کسی مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، یا آپ حضرات کو ضرورت پیش آ گئی کہ یار نکاح کا مسئلہ ہے، آپ سیدھا سورہ نساء پہ چلے جائیں. اچھا، کھانے پینے کے حلال حرام کا مسئلہ آ گیا، آپ فوراً سورہ مائدہ پہ چلے جائیں کہ بھئی یہاں سے مجھے جو ہے سورہ مائدہ میں حلال حرام کے مسئلے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، کن کن چیزوں کو اللہ نے حلال، وہ ساری ہمیں یہاں مل جائیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں. اب دیکھیے سورہ مبارکہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عقود کو پورا کرو. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا کہا اے یہودیو، یا کہا اے عیسائیو. لیکن اللہ نے اس امت کو اسپیشلی طور پر اس بات کے ساتھ ذکر کیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. یہ شان ہی جدا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اور آسان کروں، جیسے ایک آدمی ہے نا، اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے زید. ایک یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو کہہ کے بلائے، زید بات سننا. دوسرا کیا ہے؟ بیٹا بات سننا. دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلے والا لفظ بھی صحیح، لیکن دوسرے میں محبت زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ باپ نے اس کو، دوسرے آدمی کو، اس رشتے سے پکارا جو رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے سے پکارا جو ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق ایمان کا ہے. اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ یہ بہت ہی پیارا تعلق ہے. اس لیے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دو. حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں جب بھی پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ٹھہر جانا، توجہ سے پڑھنا، کہ اس کے فوراً بعد یا تو اللہ تمہیں کسی نیکی کے کرنے کا حکم دیں گے، یا کسی برائی سے روک رہے ہوں گے. کیسا پوائنٹ بتایا قرآن کی گہرائی میں جا کر، کہ جہاں تم پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، اس کے فوراً بعد یا تو اللہ تمہیں کسی کام کے، بلائی کے کرنے کا حکم دیں گے، یا کسی شر سے منع کریں. اب ہم نے یہاں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے فوراً بعد اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اوفو بالعقود، کہ تم اپنے عقود کو پورا کرو. تو یہ ہے. اس لیے اوفو بالعقود، عقود کسے کہتے ہیں؟ عقد. یہ دو آدمیوں کے درمیان ہو، دو جماعتوں کے درمیان کسی بھی معاملے کو آپس میں طے کرنا، اس کو عقد کہتے ہیں. اصل میں عربی میں یہ جو انسان کے گلے میں یہاں اٹھی ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو عقدہ بولتے ہیں، کہ یہ گرا لگی ہوتی. اسی طرح رسی کو رسی سے باندھنے کو بھی عقد کہتے ہیں، باندھ لینا. تو نکاح بھی ایک عقد ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک رشتے کے بندھن سے باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ عقود ہیں، عہد. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، تم عہدوں کو پورا کرو. اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے تو کہا اس سے مراد وہ عہد ہے جو بینہ و بین اللہ، جو بین الناس و بین اللہ، جو اللہ اور بندوں کے درمیان.
कि हमने अल्लाह के साथ क्या वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तुम्हें रब मानूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के हुक्मों पे चलूंगा, नबी के तरीकों पे चलूंगा, ये वादा किया था हमने अल्लाह से। तो एक तो इससे ये वादा मुराद हो सकता है अहद, दूसरा अहद ये भी मुराद दिया जा सकता है कि या अल्लाह जिस चीज़ को तूने हलाल किया मैं उसके हलाल को हलाल जानूंगा, जिसको तूने हराम किया मैं उसके हराम को हराम समझूँ। तीसरा बात मुफस्सिरीन ने कहा, इसका मतलब ये है कि जो तुम आपस में मुआमले करते हो एक दूसरे के साथ, इसको भी पूरा करो। बात कुछ कर दी, कह कुछ दिया, ज़ुबान से वादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्य आप हज़रात सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी ने से एक आदमी ने वादा कर लिया कि फ़लाँ जगह पर मैं आपको आपके पैसे लौटा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुतय्यना जगह पर पहुँचे, वो जो पैसे लेके आने वाला आदमी था वो कई दिन तक नहीं आया, और जब आया तो देखा कि अल्लाह के नबी उसी जगह पर मौजूद थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वादे की पासदारी इस कदर ज़रूरी है। तो बाज़ उलमा ने लिखा कि आपस के मुआमलात, लेकिन हम ये बेहतरीन बात यह है कि इनमें से किसी में कोई तज़ाद नहीं, ये सब मुराद है। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के अहद भी पूरे करो, हलाल हराम को भी जानो, आपस के मामलात को भी दुरुस्त करो, और जो तुम अपने ऊपर नाफिज़ कर लो, कसम खा ली, मन्नत के बारे में कह दिया मेरा फ़लाना काम पूरा हो जाए तो मैं अल्लाह के नाम पर यह दूंगा, उस मन्नत को भी पूरा करो, लेकिन हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। जो कराची के सफ़र में एक आदमी को मैंने देखा, उसने अपने गले में यहाँ जंजीर डाली हुई, यहाँ दोनों बाजुओं में, दोनों पाँव में। मैंने उससे पूछा ये क्या बात है, आप ये क्या किया हुआ? कहता जी मैंने नियत की थी कि अगर मेरा फलाना काम हो जाए तो मैं सखी सरवर जो है कुत्ता बन के जाऊँगा, ये मैंने मन्नत मांगी। अब बताओ ये कोई मन्नत है? अल्लाह ने इसको इंसान बनाया या कुत्ता बनना चाह रहा है? तो इसलिए शर्त भी हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। अगर हराम मन्नत मानी है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको तोड़ दो। जैसे बाद साहबा ने गुस्से में कसम खा ली कि मैं फलाने आदमी से बात नहीं करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको तोड़ दो, इसका कफ़ारा दे दो, कि ये गुनाह की मन्नत और कसम है, गुनाह की मन्नत और कसम ना हो, बाकी कसमों को पूरा करो। आगे फरमाया उहिल्लत तकुम बहीमतुल अनआम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो चौपाए हलाल किए हैं, अनआम जो जानवर अनआम है, जो मवेशी पालतू जानवर, उसका तस्किरा तो इंशाल्लाह आगे आएगा, अनआम सूरह अनआम में आएगा, कि जिसमें गाय का तस्किरा अल्लाह ने किया, ऊँट का तस्किरा किया, भेड़ का तस्किरा किया, वो आगे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फरमाया बहीमा, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहीमा हलाल किए हैं। बहीमा किसको कहते हैं? बाज़ ने कहा चौपाए को कहते हैं बहीमा, यानी चार पाँव वाले जानवर को। बाज ने कहा नहीं, चार पाँव वाले जानवर को नहीं, बल्कि उसको कहते हैं बहीमा मुबहम से, यानी वो जानवर के जो आम तौर पर ज़वील उकूल नहीं है, अक़ल नहीं रखते, इससे वो मुराद के जानवरों में अक़ल और सलाहियत नहीं होती। लेकिन इमाम राग़िब इस्फ़हानी फरमाते हैं कि गलत बात है, अल्लाह ताला ने जानवरों को भी शऊर और अकल अता फरमाया है, ये अलग बात है कि किसी में शऊर ज़्यादा है किसी में कम। इसीलिए याद रखना, देखो ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी तो ये कहती है ना, और ये एतराज़ भी करते हैं कुरान की आयत पर, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कायनात में जो भी चीज़ है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती, और एक जगह पर फरमाया कि ये जो पहाड़ तुम्हें पत्थरों से लुढ़कते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से सड़क पर, ये अल्लाह के डर की वजह से आए। तो लोग कहते हैं जी पत्थर तो जमादात हैं, इनमें तो हरकत ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं हरकत है, शऊर है, लेकिन इतनी शऊर की कमी है कि हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में आगे फरमा दिया कि कायनात की हर चीज़ मेरी तस्बीह बयान करती है, वला किल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। इसलिए जो है बहीमा से मुराद जानवर, फरमाया उहिल्लत तकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए अल्लाह ने चौपाए जो अनआम है वो हलाल कर दिए, इल्ला मा युतला अलैकुम, हाँ वो जानवर जो तुम पर आगे तिलावत किए जाएंगे, वो आगे आ रहे हैं,
मुर्दार हराम है, खिंजीर हराम है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ें। आगे फरमाया गैर मुहिल्ल सईद व अंतुम हुरुम, हाँ जब तुम एहराम की हालत में हो तो उस वक़्त शिकार हलाल नहीं। एहराम में ये मसला याद रखने का है, हालत हरम एहराम में हरम की हदूद के अंदर अंदर ना खुश्की का शिकार हलाल है ना दरियाई शिकार हलाल, ये अल्लाह ने हराम कर दिया है, इसलिए कि ये हरम का एहतराम है, हरम है ही एहतराम से। एक आदमी मुझे कहने लगा कि जी बैतुल्ला को बैतुल हराम क्यों कहते हैं, बैतुल हराम या जो है वो हरम को हरम कहते हैं, ये तो हराम हो गया, हराम तो गलत होती है चीज़। हराम का माना सिर्फ हराम नहीं होता, हराम का माना एहतराम भी होता है, मोहतरम भी होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके एहतराम की बिना पर फरमाया गैर मुहिल्ल सईद व अंतुम हुरुम, कि हाँ एहराम की हालत में हलाल नहीं। आगे फरमाया इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं उसका फ़ैसला फरमा देते हैं। ये आखिरी आयत ही है, यहाँ से अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई जो कुछ भी मैंने हलाल किया है वो भी मेरी हिकमत है, जिसको मैंने हराम किया है वो भी मेरी हिकमत है, मैं जिसको चाहूँ हलाल कर दूँ, जिसको चाहूँ हराम कर दूँ। इसलिए ये पूछने की ज़रूरत नहीं, क्यों लोग कहते हैं जी गाय क्यों हलाल हो गई, हम तो पेशाब भी पीते हैं, गोबर भी खाते हैं, हम तो बच्चों को नीचे कैसी अल्लाह ने अकल मार दी है, मुसलमान दूध पीते हैं वो पेशाब पीते हैं, तकसीम है ना अल्लाह ताला की, वो पेशाब पे राजी हम दूध पे राजी, अल्लाह ने हमारे लिए सफ़ेद दूध निकाला उनके लिए पेशाब निकाला, वो पेशाब पी पी के खुश होते हैं, लड़ते हैं हमसे, कहते हैं तुम लोग क्यों जो है, हम कहते हैं हमें पेशाब से झगड़ा नहीं, दबा के पियो, बल्कि मूदी को 8-10 गिलास मज़ीद पिलाओ। हमें जो है मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे दूध पे तुम्हें क्या एतराज़, जब हमें तुम्हारे पेशाब पे एतराज़ नहीं तुम्हें हमारे दूध पीने पर क्या एतराज़। अजीब बात है कि गाय का पेशाब तो हलाल है उसका दूध हराम है। अच्छा उस गाय का पेशाब पी लो उसके नीचे से गुजर जाओ ये हलाल है, उस गाय का गोश्त खाओ ये हराम है। अब दो तबके उम्मत में बने, एक तबका वो बना जो मजूसियों का, जिन्होंने कहा ये भी हराम वो भी हराम ये भी हराम, बुत परस्त लोग ना, ये भी हराम वो भी हराम वो भी हराम, वो उन्होंने हराम पे पाबंदियाँ लगा दी। और मुसलमानों को पता क्या कहते हैं, और ज़ालिमों तुम्हें गाय को ज़िबा करके क्या मिलता है, इतनी खूबसूरत गाय को तुम ज़िबा कर देते हो। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने यह हमारे लिए हलाल किया है कि अल्लाह ने अदना को आला के लिए हलाल रखा है। देखो दरख्तों के लिए अल्लाह ने पानी रखा, पानी के लिए पानी के साथ अल्लाह ने मिट्टी रखी, उसी मिट्टी को अल्लाह ताला ने खेतों के इस्तेमाल के लिए रखा, उस खेतों से पैदा होने वाली फसलों को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया, लेकिन इंसान से ऊपर कोई आला चीज़ है ही नहीं, इसलिए इंसान किसी के लिए हलाल नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने तो ये कह दिया ये हराम। अच्छा दूसरा तबका ऐसा आया वो जनाब उसके नज़दीक हर चीज़ ही हलाल है, वो क्या जिन इलाकों से गुज़रते हैं वहाँ के कुत्ते ख़त्म कर देते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं खिंजीर ख़त्म कर देते हैं, बंदर खा जाते हैं, लूमड़ियाँ खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, उनके नज़दीक अब ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि बोलते हुए भी घिन आती, तो उनके नज़दीक कोई हलाल हराम की पाबंदी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों नहीं, तुम दरमियान में हो, तुम ये भी नहीं कि बिल्कुल हराम बिल्कुल हलाल नहीं, बल्कि जो जो तुम्हारा अल्लाह हलाल करेगा वो तुम्हारे लिए हलाल, जिसको तुम्हारे लिए हराम करेगा वो तुम्हारे लिए हराम। अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।